आप एक काम ये कर सकते हैं कि अपनी छोटी छोटी डायरियां बना सकते हैं। डायरी बनाना सफलता के लिए एक जादू है। मैं इसे जादू क्यों कहता हूं, डायरी मेकिंग सिस्टम को जादू क्यों कहता हूं? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका उपयोग करके बहुत जल्दी सफलता हासिल कर ली। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लो एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है और एक आदमी साइकिल से जा रहा है, एक आदमी बैलगाड़ी से जा रहा है और एक आदमी को स्पोर्ट कार दे दी जाए, बस चलाना सिखा दिया जाए स्पोर्ट कार की। तो साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला और इवन कार वाला भी क्या उससे लग पाएगा? बस उसे चलाना आना चाहिए। इसलिए डायरी को मैं जादू कहता हूँ। ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, जिन्होंने ये किया उन्हें इसका लाभ मिला। ये डायरियां आती हैं छोटी छोटी हैं इस तरह की। आज ये नवनीत की डायरी है आपको देखने के लिए। देखो इसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और मेरी हैंडराइटिंग खैर बोर्ड पर इतनी अच्छी नहीं, बहुत सुंदर है। मेरे से कई लोग कहते हैं कि अच्छा आप अपनी बढ़ाई खुद ही कर लेते हो। भाई मैं खुद देख के ऐसा महसूस करता हूँ कि रियली मेरी हैंडराइटिंग सुंदर है। अब दूसरों को हो सकता है ना लगती हो, तो मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ उस डायरी को। तो ये डायरी इस तरह लिखी हुई है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की डायरी है, मैंने बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ इसको। संयोग बस आज क्या हुआ कि ये मैं जब चेंज करके निकल रहा था तो ये पड़ी मिल गई मेरे को वहीं रखी रह। तो मैं अपने रिवीजन के लिए कभी कभी यूज करता हूँ। तो इसमें सारे केसेस लिखे हुए हैं। अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी डायरी में आ गया, इतने बड़ी डायरी में। ऐसी ही दो डायरियों में सीआरपीसी है, ऐसी ही दो डायरियों में सीपीसी है, और इतने ही चीज को आप रोज रिवाइज करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप दूसरों से पीछे रहने की बजाय कब आप बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे। कारण क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जैसे दो तरीके की पढ़ाई है। एक पढ़ाई तो है कि आपने 1 घंटे में मोटी मोटी चीजें देख ली वो, या हमने आपको शॉर्टकट पढ़ा दिया, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, मैं तो नहीं पढ़ा। जैसे अभी आपके सामने आपने 4 सेक्शन पढ़े, 5 सेक्शन पढ़े, उन्हें ये याद नहीं हुआ। और फिर मैं आप लोगों से याद करवाने के काम को जो अभी थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से करेंगे, वो ये भी करते हैं कि हम पुराने सेक्शंस को, अभी आप 132 तक आ गए हैं, यदि किसी स्टूडेंट ने वाकई में ईमानदारी बरती हो तो उसे 132 तक के सेक्शंस में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और उसे 132 के 132 सेक्शन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, टिप्स पे ही होने चाहिए।